हेलो एवरीवन, आज हम फिर एक वाई पैरामीटर्स का क्वेश्चन करने वाले हैं। इस सर्किट के हमें वाई पैरामीटर्स कैलकुलेट करनी है। इस सर्किट में क्या एक एक डिपेंडेंट सोर्स आ गया, ठीक है, डिपेंडेंट करंट सोर्स आ गया। यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू टू आई है, यहाँ पे ये आई फ्लो रही है, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट कहते हैं इसे। तो इसके वाई पैरामीटर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। देखो हम कैसे करते हैं, पहले वी वन, फिर वहीं से आई वन करंट फ्लो होती है, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। दूसरी साइड वी टू और वहां से करंट फ्लो होती है आई टू, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो, जो आई वन है वही आई है, तो पहला पॉइंट हमें यहां से क्या मिल गया, आई वन ही है मेरा, क्या है, आई है, ठीक है। तो आई की तो मुझे जरूरत नहीं होती है वाई पैरामीटर्स निकालने में, क्योंकि ये अलग से आ गया, मुझे इसको बाद में भी एलिमिनेट करना पड़ता, लेकिन मेरा मुझे फ़ायदा क्या हुआ, ये यहीं पे हमें पता लग गया कि ये कैपिटल आई वन स्मॉल आई वन के इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये करंट जो आएगी, आई की जगह आई वन में लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे? तो ये जो करंट आएगी यहाँ पे, आई की जगह मैंने आई वन लिख दिया, तो ये हो जाएगा टू आई वन, ठीक है। इस वाले यहाँ पे ये टू आई वन आ रही है, आई टू भी आ रही है, तो इधर कितनी करंट जाएगी फिर, टू आई वन प्लस आई टू, ठीक है। यहाँ पे देखो आई वन करंट आ रही है, टू आई वन इधर भी जा रही है, टू आई वन इधर निकल जाएगी, तो टू आई वन इधर निकल गई, ये आई वन और ये वाली आई टू बची, जो कहाँ से फिल होगी, यहाँ से फिल होगी, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, केवीएल लगाता हूँ और वाई पैरामीटर आई वन और आई टू के टर्म में वैल्यू निकालता हूँ वी वन वी टू की, ठीक है। तो वी वन इक्व टू कितना आ गया यहाँ से, वी वन इक्व टू एट आई वन प्लस टू आई वन प्लस टू आई टू, चलो टू आई वन प्लस आई टू कितना हो गया, ये एट आई वन टू आई वन प्लस टू आई टू। तो यहां से v1 कितना आ गया, 10 i1 प्लस 2 i2, इसको मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 1। ऐसे यहां से v2 के लिए लगाओ, v2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2 i1 प्लस i2 प्लस इधर इसमें लगाओ 2 i1 प्लस i2, अंदर मल्टीप्लाई करो, इसका कितना आएगा, ये 8 i1 प्लस फोर आई टू आई वन प्लस टू आई टू कितना आ गया, वी टू यहां से आठ और तो दस, टेन आई वन और सिक्स आई टू, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर टू कहता हूं। मुझे वाई पैरामीटर्स निकालने के लिए कैसे वैल्यू चाहिए होती है आई वन और आई टू के टर्म में, तो मैं क्या करता हूँ आई वन और आई टू के टर्म में निकालने की कोशिश करता हूँ। ये फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पर लिखो, ये आ जाए वी वन इक्व टू टेन आई वन प्लस टू आई टू, यहाँ से अगर मैं इसको माइनस करता हूँ क्या आएगा, ये वाले टर्म कैंसिल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, वी टू माइनस वी वन ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, सिक्स माइनस फोर, सिक्स माइनस टू फोर आई टू। तो यहाँ से आई टू कितना आ गया, मैं इधर डिवाइड कर दूँ तो माइनस वन बाई फोर वी वन प्लस वन बाई फोर वी टू, ठीक है। तो ये आई टू क्या देता है हमें, वाई टू वन और वाई टू टू, तो वाई टू वन माइनस वन बाई फोर आ चुका है। यहाँ से कंपेयर करके लिखो इसको, तो यहाँ से पता लगा हमें वाई टू वन कितना आया, माइनस वन बाई फोर, और वाई टू टू कितना आया, वन बाई फोर, ठीक है। क्या आया, वन बाई फोर साइमन। नेक्स्ट, इसी तरह से हमने आई टू की वैल्यू निकाल ली थी, यहाँ से इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दो या टू में पुट कर दो, जहाँ पे आपको आसान लगे, मैं इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। पुट आई टू इजिकल्स टू, ये कितना निकाला था हमने आई टू की वैल्यू यहाँ से, ये जो आई थी अभी ये रहा, यहाँ से आई टू की वैल्यू आई है आई टू इक्वल्स टू, चलो मैं इसको इक्वेशन नंबर थ्री कहता हूँ। पुट यहाँ लिखा फ्रॉम थर्ड एंड वन, क्या मिलेगा हमें,
थर्ड एंड वन से मैं बात कर रहा हूँ, आई टू जहाँ पे आई टू है वहाँ पे आई फर्स्ट इक्वेशन में वहाँ पे ये वाली वैल्यू रख दूंगा मैं सीधी। तो ये रहा मेरा वी वन इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, 10 I1 ठीक है प्लस 2 I2 की वैल्यू मुझे पता है, ये रही यहाँ से -1/4 V1 1/4 V2। तो वी वन इक्वल टू कितना आ गया 10 I1, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 1/2 V1 और 1/2 V2। वी वन और वी टू को इधर ले गया तो कितना हो जाएगा 10 I1, ये इसके साथ प्लस हो जाएगा 1 + 1/2 3/2 यानी 1.5 V1, इसको इधर ले आया -0.5 V2। 10 का डिवाइड किया तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा 0.15 V1, इसमें करूँगा तो 0.05 V2 ठीक है। तो I1 में V1 और V2 के कोफिशेंट होते हैं वो क्या देते हैं मुझे, यहाँ से देगा ये Y11 0.15 साइमन और ये क्या देगा Y12 -0.05 साइमन ठीक है। अगर मुझे Y पैरामीटर्स को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना तो मैं यहाँ से कैसे लिखूँगा, जो मैंने निकाले Y11 आया मेरा 0.15 साइमन और Y12 आया -0.05 साइमन, Y21 आया था मेरा 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 0.25 तो -0.25 साइमन, Y22 आया था 1/4 यानी 0.25 साइमन ठीक है। तो ये आ गए हमारे Y पैरामीटर्स, काफ़ी आसान था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है ठीक है। तो इस तरह से कोई भी सर्किट देखे इस तरह से बेसिक से चलते आना और निकालते चले आना ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप ये आपको समझ आया होगा, इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।